संस्कृत द्वितीय पाठ कृत क्रिया संबंध, इसमें हम पढ़ेंगे अकरण पुल्लिंग शब्द प्रयोग, मतलब अकरण पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम वचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले देखेंगे बालका पढ़ती, एक वचन है, इसका मतलब होता है बालक पढ़ता है। हम द्विवचन में देखेंगे बालको पढ़ता, मतलब दो बालक पढ़ते हैं। बहुवचन में जाएगा हमारा बालका पढ़ती, मतलब बहुत से बालक पढ़ते हैं। इसमें हम देख रहे हैं अकारण शब्द आ रहे हैं, वे अकारण वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के उच्चारण में, जिन शब्दों के अंत के उच्चारण में हमें छोटा आ का उच्चारण होता है और अकारण शब्द कहलाते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में लिंग भी तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। अब हम देखेंगे आमजेसी के घोड़ा अश्व धावती, अश्व धावता, अश्व धावंती, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अश्व धावती का घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावता हो जाएगा दो घोड़े दौड़ते है, अश्व धावंती मतलब बहुत से घोड़े दौड़ते है। इसे देखेंगे मयूरा नृत्यति, मतलब मोर नाचता है। इसके बाद मयूरो नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। इसी प्रकार का मारा जाएगा मयूरा नृत्यन्ति, बहुत से मोर नाचते है। इसके बाद देखेंगे हम आगे अन्य वाक्यानि, तो पहला लिखा है सैनिका रक्षति, सैनिको रक्षता, सैनिका रक्षन्ति। फिर आगे दिया है गजा गच्छति, गजो गच्छता, गजा गच्छन्ति। नर पिबति, नरो पिबता, नरा पिबदन्ति। छात्र क्रीडति, छात्रो क्रीडता, छात्रा क्रीडन्ति। बालका पश्यति, बालको पश्यता, बालका पश्यन्ति। यह आपका होमवर्क है। अब हम पढ़ेंगे अकरण स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। इससे पहले पढ़ा था हमने अकरण पुल्लिंग शब्द का प्रयोग, इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अकरण हमने पढ़ा था वे शब्द जिन शब्दों के अंत में हमें बड़ा आ का उच्चारण मिलता है उन्हें हम अकरण शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द जहाँ स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम एक वचन में बालिका पढ़ती, इसका हिंदी अनुवाद होगा लड़की पढ़ती है। द्विवचन में देखेंगे बालिके पठता, मतलब दो लड़कियां पढ़ती है। बहुवचन हो जाएगा हमारा बालिका पठंती, बहुत सी लड़कियां पढ़ती है। इसी प्रकार होगा चटका पूजती, मतलब चिड़िया पूजती है। चटका पूजता, दो चिड़िया पूजती है। चटका पूजंती, बहुत सी चिड़िया पूजती है। इस प्रकार देखेंगे आप महिला पचती, मतलब महिला भोजन पकाती है। महिले पचता, दो महिलाएं भोजन पकाती है। दिया है हमारा महिला पचंती, मतलब बहुत सी महिलाएं भोजन पकाती है। इसको आपको अपनी कॉपी में इसको नोट करना है। इसके अब हम देखेंगे अन्यानि वाक्यानि। सबसे पहले दिया है छात्रा लिखती, मतलब छात्रा क्या करती है, लिखती है। छात्रे लिखता, मतलब दो छात्रा लिखती है। फिर छात्रा लिखंती, बहुत सी छात्राएं लिखती है। फिर अजा चरती, मतलब बकरी चरती है। अजय चरता, दो बकरी चरती है। अजा चरंती, मतलब बहुत सी बकरियां चरती है। कलिका विकसति, मतलब कली जो है क्या होती है, वो खिलती है, विकसित होती है। कली के विकसता, मतलब दो कलियां विकसित होती है। कलिका विकसन्ति, मतलब बहुत सी कलियां खिलती है। उसी प्रकार से हमारा बालिका वदति, मतलब बालिका लड़की क्या बोलती है, बालिके वदता, दो लड़कियां बोलती है। बालिका वदन्ति, बहुत सी लड़कियां बोलती है। इसको अपनी कॉपी में आपको
ये आपका होमवर्क है, इसको कॉपी में नोट करना है। अब हम पढ़ेंगे अकारण नपुंसक लिंग शब्द प्रयोग करना। इससे पहले हमने देखा था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग वे शब्द होते हैं जो ना तो स्त्रीलिंग में आते हैं ना ही पुल्लिंग में आते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे सभी प्रकार के हमारे फल हो जाएंगे, सभी प्रकार की हमारी टेबल कुर्सियाँ गाड़ियाँ और पुस्तकें वगैरह सब क्या में आती है, हमारी नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान सेव नहीं चल के जा सकती वो क्या कहलाती है, नपुंसक लिंग कहलाती है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक वचन में अलम पतति, मतलब अल गिरता एक। द्विवचन में देखेंगे अले पतता, दो फल गिरते हैं। बहुवचन में देखेंगे अलानी पतंती, बहुत से फल गिरते हैं। प्रकार देखेंगे कार्यानम चलती, मतलब कार चलती है, कार्याने चलता, दो कारें चलती है, कार्यानी चलती, बहुत सी कारें चलती है। देखेंगे हम इसी बात का तीसरा, पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है, पुस्तके स्ता, मतलब दो पुस्तकें हैं, पुस्तकानि सन्ति, बहुत सी पुस्तकें हैं। इसी प्रकार देखेंगे हम अन्यानि वाक्यानि, पहला दिया हमारा पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसता, पुष्पाणि विकसन्ति, व्यंजनम भ्रमति, व्यंजने भ्रमता, व्यंजनानि भ्रमन्ति, ग्रहम अस्ति, ग्रहस्ता, ग्रहाणि सन्ति। यह आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।